स्टार्ट। यस, एक 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 थ्योरम है ऐसा समझ लो, या आइडेंटिटी जैसे भी मान लो, राइट, उसको एज ए ऐसे ट्रीट कर लो। क्या समझ गया ना, उसको एक आइडेंटिटी की तरह ले लो कि इसको कहीं भी तुम यूज कर सकते हो। इसमें क्या बोल रहे हैं, इफ ए एंड बी आर एनी टू इवेंट्स, कोई भी दो इवेंट्स है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ द टू इवेंट्स, राइट, वर्ड क्या है, एट लीस्ट वन ऑफ द टू इवेंट्स ए एंड बी अकर्स, राइट, कैन बी डिनोटेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, एंड द सेम कैन बी डिफाइंड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझ गए? सो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे और इस फॉर्मूला पे बेस्ड एक प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है? तो हमें सिर्फ यही याद रखना है अभी, करेक्ट, इसी को हम यूज करेंगे और एक प्रॉब्लम लिखते हैं, करेक्ट। डाइस इज थ्रोन, व्हाट इज द चांस दैट Either an even number or number greater than 3 will turn up. ये क्वेश्चन, ठीक है? अब देखो पकड़ना क्या है, पहले बोला ये फेयर डाइस इज थ्रो, आपको पता है वन से लेकर के सिक्स तक नंबर ही अपीयर हुएगा, फेयर है तो, राइट, तो आपका सैंपल स्पेस जो बनेगा वो तो यही बनेगा, 1 2 3 4 5 6 बनेगा, राइट। दूसरा क्या बोला, व्हाट इज द चांस दैट, देखो ये वर्ड पकड़ो, आइदर एन इवन नंबर और नंबर ग्रेटर देन 3, देखो यहां पे दो इवेंट की बात करती है, आइदर एन इवन नंबर एक इवेंट है, करेक्ट, समझ गए? सो दिस इज द इवेंट ए, जैसे मान लो आप ए की तरह ट्रीट कर सकते हैं, और दूसरा क्या बोला, और नंबर ग्रेटर देन 3, तीन से ज्यादा नंबर, तो ये दूसरा इवेंट है, सो दिस इज इवेंट बी, राइट। देखो आइदर ये और ये, तो एटलीस्ट दोनों में से कोई भी होगा तो ये ट्रू हो जाएगा, करेक्ट, दोनों में से कोई भी इवेंट अकर होगा, इसका मतलब इनडायरेक्ट मीनिंग ये भी है, एटलीस्ट वन ऑफ द आइदर और का मतलब वो भी है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम, ओके, आपको समझ में आया, क्योंकि एटलीस्ट वन ऑफ देम का मतलब क्या हुआ कि उधर का भी हो जाएगा तभी भी ट्रू हो जाएगा, ए का कोई भी इवेंट हो जाएगा तभी भी ट्रू हो जाएगा, बी हो जाएगा तभी भी ट्रू हो जाएगा, करेक्ट, या दोनों ही में से ये हो जाए या ये हो जाए, करेक्ट, तो या आप जो फॉर्मूला जो हम लोग यूज करे थे पी ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये हम यहाँ पे यूज करेंगे, करेक्ट। अब देखो हमें पी ए निकालना हो, करेक्ट, तो ए इवेंट का हमारे पास सैंपल स्पेस क्या बनेगा, ए का ए का एलिमेंट क्या होगा, ए में क्या बोला, आइदर एन इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर कौन कौन सा है, 2 4 और 6, करेक्ट, और बी के एलिमेंट क्या हो जाएंगे,
4, 5, 6. क्या बोला? नंबर ग्रेटर देन 3. तो 4, 5 एंड 6 ये बन गया. ओके समझ गया. तो अब देखो हमें क्या निकालना है, पी ए इंटरसेक्शन बी निकालना है. तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी में क्या होगा, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है? चार, छह. देखो चार और छह दोनों में कॉमन है. तो कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं? 4 एंड 6. समझे? सो आपका जो आंसर जो होगा पी ए राइट विल बी इक्वल टू एन ए डिवाइडेड बाई एन एस. करेक्ट. एन ए में कितने एलिमेंट है? 1, 2, 3. 3 डिवाइडेड बाई 6. पी बी में कितने एलिमेंट है? 4, 3, 3 अगेन डिवाइडेड बाई 6. और पी ए इंटरसेक्शन बी 2 बाई 6 में कितने होंगे? 2 बाई 6. दो एलिमेंट है वो 2 बाई 6. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ए यूनियन बी मतलब आइदर इवन नंबर या नंबर ग्रेटर देन 3 के आईपीएन होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3 बाई 6 प्लस 3 बाई 6